उनके पिताजी खत्म हो गए हैं तो हम लोगों को जाना पड़ेगा बिदूना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 3 जून 2024 और सुबह करीब मैं 9:30 बजे जगा हूँ क्योंकि रात को मैं एडिटिंग करते करते काफ़ी लेट हो गया था। 3 बजे के आसपास तो सोया ही था, जगने में भी थोड़ा बहुत लेट हो गया। उसके बाद मैंने सुबह जो अयोध्या वाले चैनल के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना बाकी बचा हुआ था उसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने नहाया, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया है। अभी मैंने सोचा था आज एडिटिंग वगैरह पूरा निपटाऊँगा और ट्रेडमिल का जो सर्विसिंग वगैरह मुझे करनी थी उसको करूँगा, लेकिन अभी एक दुखद जानकारी मिली है कि जो भाभी हैं उनके पिताजी ख़त्म हो गए हैं तो हम लोगों को जाना पड़ेगा बिदूना। तो अभी ताऊ जी बताने आए थे, थोड़ी बहुत देर में मतलब 1-1.5 घंटे में हो सकता है निकलें यहाँ से। तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ काम निपटा लेता हूँ, शोर को सुला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा था कुछ वीडियोस वगैरह और बना लूँगा। कल मैंने टॉपिक लिखे थे शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए, लेकिन लाइट ही चली गई है। जैसे उसको सुलाया तब तक लाइट थी, जैसे वो सोया तो लाइट चली गई। तो अभी वीडियो तो बन नहीं पाएगी क्योंकि गर्मी हो जाती है कमरे में। तो सोच रहा हूँ कुछ दूसरा ही काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर तैयार वगैरह होंगे यहाँ से निकलने के लिए। मोए मोए। दोस्तों मैं खाना परस लाया हूँ, 2 रोटी ले आया, थोड़े चावल ले आया, शिमला मिर्च की कल की सब्जी रखी थी, आज कढ़ी बनी हुई है, थोड़ा सा मैंने सलाद काट लिया है। ज़्यादा नहीं खाऊंगा, एक ही रोटी खाऊंगा वैसे, और उर्वशी खा लेंगे। ये उर्वशी कढ़ी चावल परसे रखे हैं, खाते हैं फिर वहाँ के लिए भी निकलना है। और हाँ, गोप्रो में जितना डाटा था वो मैंने कॉपी कर दिया है ताकि ये गोप्रो खाली रहे और ब्लॉग वगैरह शूट हो पाए। और सोच रहा था इनको भी एडिट वगैरह कर लेते लेकिन अब टाइम मिलेगा नहीं, आके ही करूँगा फिर बाद में। रात को दोस्तों वहाँ से आने में करीब 9:30 बजे गए थे। इतनी ज़्यादा ड्राइविंग कर ली, करीब 100 किलोमीटर के आसपास था ना, तो फिर आने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं किया, सीधा खाना वगैरह खाया और परके सो गए। फिर सुबह करीब 7 बजे मेरी आँख खुली सीधी, सोचा आपको बता देता हूँ। और आज मुझे करना है दोस्तों, वो मशीन रखी हुई है ट्रेडमिल, उसकी सर्विसिंग वगैरह, उसमें ऑयलिंग वगैरह करनी है, काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, तो आज उसका काम निपटाना है। तो आप उसको अलग ब्लॉग में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखेंगे। तो ये इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।